सुहागिन महिलाएं भूल कर भी न पहने ये तीन गहने, वरना बन सकती हैं पति की मृत्यु का कारण। घर में बन जाएगा नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हमारी संस्कृति में वासु दोष को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है। किसी भी कार्य को शुरू करते हैं तो सबसे पहले वासु दोष का पता करते हैं, जिससे कि भविष्य में हमें किसी भी तरीके की परेशानियों का सामना न करना पड़े। लेकिन दोस्तों, बात करें आज के समय की, तो आज के टाइम पर शादीशुदा महिलाओं को समझ ही नहीं होती है कि क्या उनको पहनना चाहिए और क्या उनको नहीं पहनना चाहिए, और वो कुछ ऐसे गलत गहनों को धारण कर लेती हैं जिनके कारण वास्तु दोष के कारण नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है और उनके परिवार, रिश्ते, पति पर खतरों का संकट बना रहता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सुहागिन महिलाओं को ऐसे कौन से तीन गहने हैं जो भूल कर भी नहीं पहनने चाहिए, जिससे कि उनके जीवन में किसी भी तरीके के संकट का सामना उनको न करना पड़े। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, सोने की चीजें, सोने की बनी हुई चीजें। जैसा कि आप जानते हैं हर सुहागिन महिला धारण करती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सुहागिन महिलाओं को कभी भी सोने की चीजों को पैरों में नहीं पहनना चाहिए। आजकल फैशन के टाइम पे कई सुहागिन महिलाएं अपने पैरों में सोने की पायल और सोने की बिछुआ पहन लेती हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अशुभ होते हैं, क्योंकि सोना भगवान कुबेर का बहुत ही ज़्यादा पसंद ही है। और सोने की वस्तुओं को पैरों में पहनने से भगवान कुबेर महाराज का अपमान होता है, जिससे रिश्ते टूटने की नौबत भी आ सकती है। इसलिए चांदी की बिछुए और चांदी की पायल को ही पैरों में पहनना चाहिए, कभी भी सोने से बनी हुई चीजों को पैरों में न पहने। दोस्तों, दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहूंगी, हो सकता है कुछ महिलाएं पहले से ही जानती हों, लेकिन अगर आप अनजाने में ऐसा करती हैं तो भूल कर भी न करें। दूसरी वस्तु है आपकी सफेद साड़ी। दोस्तों, वासु दोष के हिसाब से सुहागिन महिलाओं को एकदम सफेद चट्ट साड़ी कभी भी नहीं पहननी चाहिए। सफेद रंग के वस्त्र पहनने से पतिव्रता धर्म खत्म हो जाता है, लेकिन आज की फैशन के टाइम पे काफी सुहागिन महिलाएं सफेद चट्ट वस्त्र धारण कर लेती हैं, जिससे उनके रिश्ते में नकारात्मक ऊर्जा का आगमन हो जाता है। सफेद वस्त्र विधवा होने का लिवाज होता है, इसलिए सफेद वस्त्र बिल्कुल चट्ट न पहने। अगर उसमें किसी और रंग का, लाल रंग का, ऑरेंज रंग का या किसी भी रंग का प्रयोग किया गया हो तो आप उस वस्त्र को पहन सकती हैं। सुहागिन महिलाओं को काले रंग की चूड़ियां कभी भी नहीं पहननी चाहिए। आप उसमें काले रंग के साथ कुछ और रंग की चूड़ियां मिला के पहन सकती हैं। दोस्तों, वासु दोष में काली चूड़ियों को सुहागिन महिलाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा अशुभ माना गया है। इससे नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आपके रिश्ते पे पड़ने लगता है, इसलिए कभी भी सुहागिन महिलाओं को काले रंग की चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए। दोस्तों, हर सुहागिन महिलाओं को माथे पे सिंदूर और गले में मंगलसूत्र भी अवश्य पहनना चाहिए। अगर मंगलसूत्र के लिए आप सोने या चांदी का प्रयोग नहीं भी करना चाहती तो पीले रंग के धागे में काले रंग के मोतियों को प्रयोग के जरूर पहनना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मंगलसूत्र के पीले वाले धागे को माता पार्वती और काले रंग के मोतियों को भगवान शिव जी माना जाता है। और जो महिलाएं माथे पे सिंदूर या गले में मंगलसूत्र नहीं पहनती, ये भी बहुत ही ज्यादा अशुभ माना जाता है, इसलिए हर सुहागिन महिलाओं को यह करना चाहिए। तो मैं आशा करती हूँ दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।